बंटे, रुद्र, कैसा है तू? थैंक्स यार, आई नो बबल्स की तबीयत खराब है, लेकिन तू फिर भी आया, तू हर बार हेल्प करता है मेरी, थैंक यू। इट्स ओके, तू बता क्या हुआ, इतना अर्जेंट याद क्यों किया? यार वो तेरा एक फ्रेंड है ना, जॉन नंबर ट्रैक करता है। हाँ, बट क्या हुआ? एक नंबर ट्रैक करवाना है यार, मुझे आज एक नंबर से फोन आया था, बोला कि कोई DGU स्टूडियो है प्रोडक्शन, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई था ही नहीं, कोई स्टूडियो था नहीं, सब कुछ फेक था। What? हाँ, मुझे पता करना है ये धोखा किसने दिया है मुझे। लेकिन अंदर वो सब तो ठीक है, अभी तेरा संगीत चल रहा है अंदर यार। अभी तो टेंशन हो रही है, तो समझ नहीं रहा, जिसने भी ये हरकत की है वो नहीं चाहता था कि मैं संगीत में हूँ, इसका मतलब वो नहीं चाहता कि प्रीशा और मैं एक हूँ। भाव तो मिश्का तो जेल में, और अरमान ने शादी करवा रहा है, और वो सानिया वो भी अरमान के साथ है, तो फिर ये सब कौन कर रहा है मुझे पता करवाना, क्योंकि अगर नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है यार, प्रॉब्लम हो सकती है मुझे या प्रीशा को। एक सेकंड, तुझे किसी पे शक है? हाँ, एक आदमी पे शक है मुझे, अरमान। अरमान? लेकिन रुद्र तूने ही कहा था ना वो तेरी शादी करवा रहा है, तुझे प्रीशा को मिलवा, और वो शोरी तो होना है, इसीलिए तुझे बोला है। मंटी प्लीज अननोन नंबर ट्रैक करते, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये काम कर, तू अंदर जा, मैं पता करवाता हूँ, और जैसे ही पता चलेगा मैं तुझे कॉल करूंगा। ओके ठीक, मैं तेरे कॉल का वेट करता। पक्का पक्का, तू अंदर जा, ठीक है, गो अहेड। अन्वी, बच्चे आ जाओ, हम तीनों एंजॉय करेंगे, आ जाओ। अन्वी, अन्वी बच्चे चलो, हम तीनों खेलेंगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो चलो। क्या हुआ, अभी तक नाराज हो प्रिश्मा से? हाँ, मैं कटी हूँ उनसे। अरे तो कटी होना तो बनता है ना, देखा नहीं तुमने कि प्रिश्मा ने इसे कितनी बुरी तरीके से डांटा था, ये बुरी तरीके से रो रही थी। तुम ना बिल्कुल बात मत करना प्रिश्मा से, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कितना गलत किया है उसने तुम्हारे साथ, है ना अरमान? हाँ, मैं पक्की वाली कटी हूँ उनसे, कभी बात नहीं करूंगी। अन्वी, प्रीशा यहीं पर देख रही है, तुम तुरंत मेरी तरफ टर्न करो ताकि उसे पता चले कि तुम उस पर कितना गुस्सा हो। क्या हुआ अन्वी को, बात क्यों नहीं कर रही है? प्रीशा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ अन्वी, पता नहीं क्यों बहुत अजीब बिहेव कर रही है, अभी मैंने उसे बुलाया तो गुस्सा थी, मैं उसके पास गई तो वहां चली गई। वो नाराज होगी तुमसे, तुमने उसे डांट दिया था ना जब उसने सारांश को पुश किया था, इसीलिए। हाँ, बहुत हर्ट हुई है। तुम जाओ ना उसके पास, उसे मना लो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ रुद्र, तुम सही कह रहे, मैं जाकर मनाती हूँ उसे। आपको क्या लगता है, प्रिश्मा आपसे प्यार करती है? इतनी बुरी तरीके से डांटा उन्होंने, फिर भी आपको ऐसे ही लगता है? अच्छा तो आप एक काम करना, प्रिश्मा जैसे ही इधर आती है ना तो आप गिर जाना, और रोने का नाटक करने लगना, मुझे बहुत चोट लगी है, फिर प्रिश्मा आपके पास आएंगी और देखते हैं आपसे कितना प्यार करती है। हाँ अन्वी, आपको याद है जब सारांश गिरा था, प्रिश्मा ने उसे कितना प्यार किया था, जब आप गिरोगे तो आपको भी तो प्यार करना चाहिए ना प्रिशा को, ठीक है? और नहीं किया तो अन्वी को और गुस्सा आ जाएगा, है ना अन्वी? फर्स्ट टाइम इतना गुस्सा हुई अन्वी, मैं अभी जाकर सॉरी बोलती हूँ उसे, मना लूंगी उसे, बोलूंगी पनिशमेंट दे दो, पर इतना गुस्सा मत होना। देखो प्रिश्मा इधर ही आ रही है, अब आप जाना और गिरने का नाटक करना। ओके चा, चा, चा। अन्वी, अरे अन्वी, अन्वी बच्चा उठो, उठो आराम आराम से बच्चा, अब गिर कैसे गए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? बहुत जोर से लगी, बहुत पेन भी हो रहा है। अच्छा
नहीं बच्चा, आपको चोट तो नहीं लगी है? कुछ नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत दर्द भी हो रही है। अच्छा, लेकिन देखो कोई निशान भी नहीं आया। आप एक्टिंग कर रहे हो ना? अंदर लगी है, बहुत दर्द भी हो रहा है। दिखेगी नहीं आपको, मुझे कुछ भी हो, आप तो सारण को ही प्यार करते हो ना। वो गिरा था तो मुझे डांट दिया और मुझे प्यार भी नहीं किया। कट्टी, बड़ी वाली कट्टी। बच्चा मेरी अनवी, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अनवी, अनवी रुको, अनवी बच्चा मेरी बात तो सुनो। अनवी ऐसा, ऋषा रुको, वो नहीं मानेगी, वो नाराज है तुमसे, बहुत अपसेट है। हाँ पता है मुझे, इसलिए मैं गई थी उसके पास, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं अभी बात करती हूँ। अभी अभी नहीं प्रिशा, तुम्हें तो पता है वो बहुत अपसेट है, और गुस्से में उसे समझाओगी तो और गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसा क्या हो गया अनवी, आज तक कभी गुस्सा नहीं मुझ पर, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, फिर मैंने क्या किया? मुझे तो एक ही रीजन दिखाई दे रहा है, सारांश। सारांश? हाँ, सारांश को तुम्हारे साथ देख के शायद जेलिस फील कर रही हो, बस उसी वजह से इनसिक्योर फील कर रही होगी। सारांश को मेरी जरूरत है, मैं इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। हाँ प्रशांत, पर हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं, अनवी बच्ची है, वो कहाँ समझेगी। लेकिन बड़े बच्चों को समझा तो सकते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं अनवी से बात करती हूँ इस बार। प्रशांत तुम स्ट्रेस मत लो, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, मैं बात करता हूँ अनवी से, तुम्हारा संगीत है, तुम एंजॉय करो। नहीं यार मान, प्रशांत तुम्हारे जाने के बाद भी तो मुझे ही संभालना है। फिर शादी के बाद तुम कहाँ पाओगी हर बात के लिए, तो आदत हो जाने दो प्लीज, उसे भी और मुझे भी। तुम अपना संगीत एंजॉय करो और टेंशन मत लो, अनवी से मैं बात करूंगा। प्लीज प्रिशा, मैं बात करता हूँ। प्रिशमा, सॉरी बेटा, प्रिशमा नहीं मैं, आपको लगा प्रिश्मा आई है ना? हाँ, क्योंकि प्रिश्मा मुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती है। देखना वो आएंगे मेरे पास? वो नहीं आएंगे बेटा, प्रिश्मा बिजी है हैंडसम अंकल और सारांश के साथ। लेकिन मैं तो आ गई हूँ ना आपके पास अनवी। क्या हुआ अनवी, तो क्यों रो रहे हो बेटा? प्रिश्मा नहीं आई। अरे प्रिश्मा नहीं आई तो क्या हुआ, आपकी रियल मम्मा तो आ गई है ना आपके पास। प्रिश्मा भले ही आपको रोते हुए देख सकती है, लेकिन ये जो आपकी रियल मम्मा है, ये आपको रोते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए आप रोना बंद करो। ओके, स्माइल। नहीं, मुझे प्रिश्मा चाहिए, वो प्यार करती है मुझसे। पापा आप जाओ, उनको बुला कर लाओ। बेटा प्रिश्मा इस बिजी, वो नहीं आएंगी। बुलाओ उन प्रिश्मा को, मुझे बात करनी है उनसे। बुलाओ 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 प्रिश्मा को। अच्छा ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। So, अब आज शाम का सबसे स्पेशल डांस, और वो है दूल्हा और दुल्हन का डांस। तो सब लोग अब इन ताजोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं वही गाना गाने वाला हूँ जो मैंने तुम्हें और सारांश को देख के पहली बार गाया था। हो सकता है उससे सारांश को कुछ याद आ जाए। पूछता है will you marry me?